value of a and b such that the function defined is a continuous function. Since f of x is continuous and x equal to 2, therefore we have to accept that limit of x tends to minus f of x equal to limit of ये आपको गिवन है कि 2 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट 2 पे और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होगी, ये आएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x 2 के लेफ्ट में फंक्शन ये रहा इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x 2 के राइट में a x जरूर सी। अब जैसे लिमिट 2 पर मैं इसमें कभी तो कर नहीं सकता, ये तो 5 मिलेगा इसमें 2a प्लस b, तो एक ही क्वेश्चन आपको यहाँ से क्वेश्चन हुआ दूसरा f of x is continuous at x equal to 10 x equal to 10 ये आपको गिवन, तो लिमिट ऑफ x tends to 10 माइनस f of x इक्वल टू हो जाएगा लिमिट ऑफ x tends to 10 प्लस f of x 10 माइनस का मतलब 10 के लेफ्ट में ये फंक्शन टॉप करेगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 10 माइनस ax प्लस b इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 10 प्लस 21 ये हो जाएगा 10 a प्लस b प्लस b इक्वल टू 21 इक्वेशन नंबर 2। आपके पास दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व कर सकते हो, ये इक्वेशन नंबर तो फाइंड करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड तो फ्रॉम फर्स्ट बी इक्वल टू 5 माइनस ए को आएगा 2 10 ए प्लस 5 माइनस 2 ए इक्वल टू 21 ये हुआ 10 ए माइनस 2 ए 8 ए इक्वल टू 26 ए इक्वल टू 26 बाय 8 ए इक्वल टू 26 बाय 8 कितना होगा 13 बाय 4 ए 13 बाय 4 है तो बी कितना होगा यहाँ से बी इक्वल टू 5 माइनस 2 इनटू 13 बाय 4 ये होगा 2 में जाएगा 2 ए में से बी माइनस 10 ए प्लस बी बी इक्वल टू 5 माइनस 2 10 ए प्लस 5 माइनस 2 10 a माइनस 2 8 a हो गया माइनस 5 से जाएगा तो 26 सही ना 10 a माइनस 2 a 8 a हुआ ना सर 10 a माइनस 2 हां सर और ये ये सर नहीं सर 10 a प्लस 5 माइनस 2 a है ना 5 माइनस 2 ये हां ये आएगा अगर ए टू है तो बी फाइव माइनस टू इंटू बी वन हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 13। किसी को डाउट हो तो पूछो, डाउट नहीं है तो नो। पॉज कर, पॉज कर तो कितना
यह एक फंक्शन है g of x equal to x square h of x वो है cos of तो क्या हम बोल सकते हैं कि g of x is a polynomial function previous function at g of x is continuous. अब आप समझ आए अब देखो h of x क्या trigonometric function is always continuous. H of x is a trigonometric function. H of dx is a continuous function. Continuous function. Therefore, cos of x square is always the continuous function. Can you please समझ आई आपको? आपने क्या किया? पहले दो functions लाए. एक g of x, एक h of x. g of x एक polynomial function है. x square polynomial function है. जो कि always continuous हो. Minus infinity and plus infinity. क्या मैं बोल सकता हूँ कि g of x polynomial function है तो ये continuous होगा h of x trigonometric function और trigonometric function always continuous है तो g of h of x क्या होगा continuous function और h of dx क्या होता है cos of x square तो composition of two continuous function is always continuous function ये क्या है दो function का continuous और composition तो continuous function का composition तो ये भी कैसा रहेगा continuous therefore cos of x square is always continuous ठीक है इसी तरह से आपको 32 और 33 भी इसी वे में ठीक है 32 में एक फंक्शन हो जाएगा cos of x दूसरा हो जाएगा मॉडुलस 33 में भी एक cos of x हो जाएगा दूसरा मॉडुलस बस यही वैल्यू यूज करनी है और 33 में आपको ये दिखा दे 32 भी बता देता हूं इतना आपको है मैं सिर्फ बता देता हूँ कि g of x क्या होगा 32 के अंदर g of x है वो cos x और h of x है वो modulus of x तो f of x जो given है f of x वो आपका हो जाएगा h of g of x ये हो जाएगा और h x और g x दोनों always continuous function और composition of two continuous function is always continuous h of dx क्या मिलेगा h of dx modulus of f of x है इसमें भी ऐसे ही करो g of x है आपका sin x और h of x है आपका modulus x अब इसमें आपको f of x जो मिलेगा आपको मिलेगा g of h of x g के अंदर आपको h of x पुट करना है ये मिल जाएगा आपको sin अब ये भी कंटिन्यूस फंक्शन ये भी कंटिन्यूस फंक्शन इन दोनों का कंपोजिशन ऑफ इज कंटिन्यूस ये लैंग्वेज यूज कर लो और ये दोनों क्वेश्चन
इसी वजह मैं इन दोनों को भी लिख दूँ 42 एंड 40 ना आपको ये लिखना है g of x is trigonometric function which is always करते हो h of x is modulus function which is always करते हो g of x is trigonometric h of x is modulus always करते हो ये बात ओके दोनों लास्ट और डी फोर तो कंटीन्यूअस फंक्शन का डिफरेंस भी कंटीन्यूअस फंक्शन ही होगा ये जो कंटीन्यूअस फंक्शन है ऑन का डिफरेंस वो भी कंटीन्यूअस फंक्शन होगा तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा ये आप पता है एक्सरसाइज 5.2 इससे एग्जांपल नंबर सब आप सॉल्व करने हैं तो नहीं किए तो कर लेना तो अब मैं ऐसा करता हूँ आपको कंटिन्यूटी पूरा समझ में आ गया
ये मेल के अंदर कुछ क्वेश्चन जो पर्टिनेंट से रिलेटेड पूछे गए वो मैं लिखता हूं आप सॉल्व ठीक है। मैं अभी पढ़ा रहा हूं डिफेंसिबिलिटी को कल पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं वो आप सॉल्व कीजिए। अगर किसी को नहीं सॉल्व करने हैं तो आप अपना जो भी काम कर रहे हैं एनसीईआरटी वाला मैथ्स का होगा, मैथ्स का होगा, किसी को सॉल्व करने की इच्छा नहीं है। आप इसको क्या लिख सकते हो, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू इनफिनिटी व्हेनेवर एक्स प्लस वन माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन इक्वल टू फोर। लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू इनफिनिटी एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल वन माइनस प्लस एक्स कॉमन निकाल वन माइनस ए माइनस प्लस वन माइनस और एक्स प्लस। अब जहां अगर नीचे एक्स है और ऊपर भी एक्स है एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी तो आप एक्स कॉमन निकाल के कैंसिल कर दोगे है ना, कैंसिल कर दोगे तो यहां से एक्स हट जाएगा इसके डिवीजन में लगता है और यहां से हट जाएगा इसके डिवीजन में लगता है
जब डिवीजन में लग जाएगा तो 1 / x 0 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत। लेकिन ये जो x स्क्वायर है इसमें से x कॉमन निकालने के बाद भी x रहेगा, तो वो इसको क्या बनाएगा, इंफिनिटी, जबकि हमारे पास तो कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू है ऑलरेडी दे रखी है। इसका मतलब इसमें है जो न्यूमरेटर में x है उसकी पावर भी x के इक्वल ही होनी चाहिए, जितनी डिनोमिनेटर में x की पावर है इससे ज्यादा पावर उसको हमेशा इंफिनिटी लेके जाए। तो क्या करें, इसके ज्यादा पावर वाला कोएफिशिएंट है वो 0 होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 हो। अगर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं हुआ तो इसकी फाइनाइट वैल्यू किसी भी कीमत पर नहीं होगी। आप समझ रहे हैं, इसका मतलब 1 माइनस ए क्या होना चाहिए, 0। ए कितना होना चाहिए, 1। अब ए 1 होते ही ये फंक्शन ऐसा बन गया, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी x, और ये तो ये 1 हो जाएगा, माइनस ऑफ b प्लस 1 माइनस b और x प्लस इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, हम x कॉमन निकालेंगे, x कॉमन निकालेंगे तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस b प्लस 1 माइनस b बाय x अपॉन 1 प्लस 1 बाय x। अब x टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करो तो आपको क्या मिलेगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, माइनस b बाय 1 मतलब माइनस b, इक्वल टू कितना है 4, तो b कितना, माइनस a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू माइनस, तो बात समझ आई क्लियर। अगर मैं बोलता हूँ कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई प्लस f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ पाई, ऐसे होगा, और पाई प्लस का मतलब x इक्वल टू पाई प्लस h एंड लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई प्लस h और इक्वल टू f ऑफ पाई, f ऑफ पाई की वैल्यू दे रखी है x इक्वल टू पाई पे, ये किए तो आपको किए मिलेगा क्लियर। अब देखो f of pi plus h तो limit of h tends to 0, f of pi plus h होगा square root of 2 plus cos of pi plus h minus 1 upon pi minus x की जगह pi plus h ये minus h हो गया और ये square clear, और ये इसके equal k। अब बताओ कितना होगा, limit of h tends to 0 cos pi plus theta क्या होता है, cos pi plus theta minus cos 2 minus cos of h minus 1 by x square, ऐसा लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देखो, जैसे h tends to 0 put करोगे 2 minus cos 0 1, 1 minus 1 0, 0 by 0 form बन रही है, तो एक तरीका तो क्या, जो common factor को हटा दो जो इसको 0 बना, ठीक है, तो हम रेशलाइज कर सकते हैं, हमने इसको लिखा 2 minus cos of h plus 1 upon 2 minus cos of h plus 1। इससे तो हमें कोई दिक्कत नहीं, ये डिनोमिनेटर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, इससे तो हमें 2 मिल रहा है, 1 plus 1 2। अब ये इन दोनों का प्रोडक्ट होगा तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, 2 minus cos h minus 1, तो 1 minus cos of h मिल जाएगा upon h square into, इसको तो मैं पहले 1 by 2 लिख दूं, इसकी वैल्यू तो 2 ही है ना, 1 by 2, अब इसकी वैल्यू 1 by 2 कितना हुआ, 1 by 4, 1 by 4, बात समझ आई, तो इसकी नोट कीजिए, मैं एक और कुछ लिखता हूँ। Thank you.
is continuous, then A is what? A is continuous, then x equal to 0, then A is what? Options they have to have. ऑप्शन सी आता है फोर बाय फाइव टू की पावर है टेन फोर एक्स वो
4 by 5 to the power n 4x by 10 by x. Limit of x tends to 0. अगर आपके लिए गिवन है कि कंटीन्यूअस है f of x, तो किसके इक्वल हो जाएगा f of a लोगे, ये बन जाएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 e रेस टू x माइनस 1 होल स्क्वायर ऑन sin ऑफ x by k log of 1 plus x by 4, ये किसके इक्वल 12, आप समझ आई। अब हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 e रेस टू x माइनस 1 होल स्क्वायर ऑन sin ऑफ x by k इनटू लॉग ऑफ 1 प्लस x बाय। अब देखो क्या बताया था, e रेस टू x माइनस 1 बाय x एक्सटेंड टू 0 का मतलब है हमें x स्क्वायर चाहिए, इसके लिए तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना है, बात समझ आई। अब इसका हमें x बाय k चाहिए, x बाय k इधर लिखा तो x बाय k इधर भी लिखना पड़ेगा, इसका x बाय 4 चाहिए, x बाय 4 तो इधर भी x बाय 4 लिखना पड़ेगा, बात समझ आई। अब ये देखो इन दोनों ने मिलकर क्या बना लिया 1, इसने क्या बना लिया 1, इसने क्या बना लिया 1, समझ आ रही है, ये सभी 1 1 1 इक्वल टू 12 और ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 के ऊपर चला गया तो 4 टाइम्स ऑफ k इक्वल टू 12 देन k इक्वल टू सिंपली लिमिट इक्वल अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है 0 बाय इंफिनिटी तो आप इसको साइन कॉस में करना पड़ेगा, ये सब बन जाएगा 4 बाय 5 1 पावर साइन 4x के तो 5 कॉस 4x इनटू कॉस 5x बाय साइन 1। अब देखना जैसे ही मैं x 5 by 2 पुट करूंगा 4 into 5 by 2 sin 2 by sin 2 by कितना होता है 0 cos 5 pi by 2 0 pi by 2 got multiple by cos 0 होता है sin 5 pi by 2 sin 5 pi by 2 1 और cos 2 pi minus 4 into 5 by 2 2 pi होगा और plus cos 2 pi plus तो 0 into 0 0 by 1 0 4 by 5 to the power 0 मतलब कितना 1 इधर a plus 3 by 5 इसके इक्वल 1 1 ये कितना आ जाएगा, समझ गए, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन। तो नया नया ऑनलाइन स्टार्ट हुआ था, 2014 में स्टार्ट किया था लोगों ने कुछ ऑनलाइन, पहले ऑफलाइन ही चलता पूरे साल में एक ही पेपर होता, उसके बाद लोगों ने 2014 से स्टार्ट किया ऑनलाइन और ऑफलाइन साथ में, जो बच्चे ऑनलाइन लेना है उस तरह से सिंपल सिंपल क्वेश्चन ऑनलाइन 2014 15 16 17 18 फिर 19 से फुल ऑनलाइन था, तो आपके लिए सिर्फ ऑनलाइन है।